मैं हूं अल्ताफ खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया फोर। न्यूज़ इंडिया फोर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। भ्रष्टाचारियों के पैर दबाओगे तो ऐसे ही सड़क पाओगे, आवाज़ नहीं उठाओगे तो ऐसी सड़क पाओगे के नारों के बीच कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विवेक ठाकुर और उनके अन्य कांग्रेसियों ने विवेकानंद चौराहे से बस स्टैंड के बीच गड्ढों में तब्दील हुई सड़क पर चूरी डालकर उसे मरम्मत करने का प्रयास किया। विवेक ठाकुर ने कहा कि 10 दिन सप्ताह भर में यदि रोड की मरम्मत नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने बताया कि इस रोड पर कलेक्टर से लेकर तमाम अधिकारी 365 दिन में 1000 बार निकलते होंगे, लेकिन इस रोड की मरम्मत का विचार किसी को नहीं आया है। देखिए आप, ये सबसे व्यस्ततम रोड है, यहाँ से भोपाल के लिए जाते हैं और यहीं से कलेक्ट्रेट सारे अधिकारी यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद देखिए प्रशासन की उदासीनता के कारण आज सब हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस रोड में जीरा गिट्टी डाली हुई है। आप ये देखिए, ये रोड VIP रोड है जो भोपाल जाता है, यहाँ से सारे मंत्री निकलते हैं और यहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी निकलते हैं और प्रभारी मंत्री जी भी निकलते हैं और यहीं से कलेक्टर साहब निकलते हैं। सारे अधिकारी जो है इस रोड से होकर ऑफिस जाते हैं। बावजूद इस रोड की क्या हालत है आप देख सकते हैं। तो हम सब लोगों ने मिलकर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज इस रोड पर जीरा गिट्टी डाली हुई है। आप ये देखिए प्रशासन कितनी बड़ी अनदेखी कर रहा है कि रोज़ यहाँ से निकलता है, 365 दिन में से हजारों बार निकल रहे हैं, उसके बाद इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है इस तरफ। पूरा शहर जो है गड्ढों में हो रहा है। ये शहर का और जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ नारेबाजी भी की आपने, क्या है कुछ बताएंगे? हमने ये बोला है कि जनता से हमने निवेदन किया है कि आप लोग मुंह खोलो, मुंह नहीं खोलोगे तो ये लोग नहीं कुछ चेतेंगे। तो हम लोगों ने नारे लगाए, किस तरह से नारे लगाए आप? हमने बोला मुंह नहीं खोलोगे तो ऐसे ही दब पाओगे, मुंह नहीं खोलोगे तो ऐसे ही रोड पाओगे जी। और कुछ ये कह रहे थे भ्रष्टाचार के बारे में, भ्रष्टाचारियों के पैर दबाओगे तो ऐसे ही रोड पाओगे, इसका कुछ निदान निकलना है रोड? देखिए हम देखते हैं, अब देखते हैं कुछ एक हफ्ते 10 दिन तक प्रशासन को इसकी तरफ कोई ध्यान देता है कि नहीं देता, नहीं तो 10 दिन बाद हम फिर से इस रोड पर एक आंदोलन करेंगे। न्यूज इंडिया 4 चैनल की अगर आपको खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।